मेन टॉपिक है कि आपको कहाँ पे पढ़ना चाहिए, इटली, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। तो इसके ऊपर मैं पूरा भी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो बहुत तो यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज निखिल। और मैं इटली के ब्लॉग्स बनाता हूँ, मैं इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स देता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ ऑल ओवर द यूरोप एंड अदर कंट्रीज। तो मैं अभी स्टूडेंट हूँ, इटली में पढ़ रहा हूँ। तो अभी अभी तो मैं इंडिया में आ चुका हूँ अभी हॉलीडेज के लिए। तो जैसे कि अभी बहुत सारे मेरे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि आपके कमेंट्स आते हैं कि मेरा वीज़ा कब आएगा। अभी मैं एक एक के अभी कमेंट्स पढ़ के बताने वाला, जो भी मेन मेन मेरे को लग रहे वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मतलब ऑलमोस्ट आपके सब डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और आज का मेन टॉपिक है कि आपको कहाँ पे पढ़ना चाहिए, इटली, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूएस। तो इसके ऊपर मैं पूरा भी टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा वीडियो बनने वाला है। तो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आपको जो भी कंट्री बताऊंगा वो मेरे फैक्ट ट्रेल पे बता रहा हूँ, मतलब जो मेरे को सही लग रहा है वो मेरे नॉलेज के बेस पे बता रहा हूँ। आप भी थोड़ा सा सही हो सकते हो, मैं भी सही हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, आप गलत हो सकते हो। तो जो मेरे को सही लग रहा है वैसे मैं ही बताऊंगा, क्योंकि मैं जो बताता हूँ सीधा स्ट्रेट बताता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने जो बताया कि वो इटली नहीं आनी चाहिए, तो कुछ लोगों को बुरा लगा, पर दैट इज़ द फैक्ट। जो असली चीज़ें थे वो आपको पता चलनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस से। यूएस तो आपको अगर जाना है इंडिया से, तो पहले अभी अगर आपने देखा रहेगा, यूएस को स्टूडेंट्स के लिए 5-5 महीने वेटिंग है। 5 महीने से ज़्यादा अभी दिखा रहा है, और मतलब 1.5 साल भी दिखा रहा है। और ऊपर से अगर आपको वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 22 आपको 70-80 लाख्स लगेंगे, इजीली लगेंगे। ठीक है, आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको जॉब तुरंत मिलता है, आपको वर्किंग मिलता है, पार्ट टाइम जॉब मिलता है, आप इजीली कमा सकते हो। पर आई थिंक सो मुझे वर्थ इट नहीं लगा, क्योंकि आप अगर आप जाओगे यूएस में, आप 80 लाख्स का, 70 लाख्स का आप ये करोगे, कॉलेज फीस पे करोगे, एक्सपेंसिव आपका करोगे। तो जब आपको जॉब मिलेगा, आप अपना लोन पे करोगे कि क्या करोगे आप? क्योंकि जॉब करने के बाद आपके पास एक बर्डन रहेगा, आप मास्टर्स करो, मुझे पहले जॉब चाहिए, मुझे पहले जॉब चाहिए, मुझे ये इतना मैंने लोन लिया, मुझे पहला क्लियर करना है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए, बर्डन आ जाता है। अंडर प्रेशर में कौन सा भी जॉब ले लेता है। अगर आप कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती तो वो भी आप कर नहीं पाते, क्योंकि आपके पास लोन रहता है। तो मैंने सोचा यूएस इज अ यूएस के लिए जा सकते हो, वो भी बताऊंगा कैसे जा सकते हो। सेकेंड आया था यूके। अब यूके एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, बहुत सारे इंडियन से वहाँ पे, पर वहाँ पे वापस 25-20 लाख तो लग रहे थे, एटलीस्ट एटलीस्ट लग रहे थे वहाँ पे 1 साल के बाद। अभी वहाँ पे क्या, अगर आपको जॉब नहीं मिलता वापस डायरेक्टली इंडिया भेजते वहाँ पे, जॉब नहीं मिला तो। और वहाँ पे इंडियंस इतने हो गए, वहाँ पे जॉब मिलना भी बहुत डिफिकल्ट हुआ है। डिपेंड्स ऑन द फील्ड ऑल्सो, वॉट योर फील्ड लुकिंग फॉर। सो मैंने सोचा यूके भी इट्स नॉट वर्थ इट, और थोड़ा मुझे एक्सप्लोर करना था, क्योंकि 1 साल ऐसा निकल जाता है ऐसा। मतलब अभी मेरे को 1 साल हुआ इटली, मतलब कि पता भी नहीं चला कब मेरा 1 साल हुआ है, मतलब ऐसा है। तो यूके मैंने वापस वही लोन निकालो, यही निकालो, वापस आयल्स देनी पड़ती है, और कुछ एग्जाम देने पड़ते हैं। वापस यूएस में आपको जीमैट देना पड़ता है। तो इसलिए मैंने यूके भी कैंसिल किया, यूएस कैंसिल किया। फिर मैंने सोचा चलो जर्मनी जाते हैं यार, यूरोप में। फिर यूरोप में हो गया, ठीक है, उधर भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, फ्री में होता है, कुछ ज़्यादा पैसा नहीं, कितना 100 यूरो, ज़्यादा कुछ फीस नहीं रहता है क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी के बल से। पर वहाँ पे अभी इशू क्या है कि आपको ब्लॉक अकाउंट रखना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट मतलब जितना टाइम आप पढ़ाई करोगे जर्मनी में, उसका जो अपना फाइनेंस है आपका 2 साल का, वो आपके मम्मी पापा के अकाउंट में आपको रखना पड़ता है एज अ ब्लॉक। मतलब 2 साल अगर आप पढ़ रहे हो, तो 2 साल वो अकाउंट में ब्लॉक के ब्लॉक वैसे पैसे ही चाहिए, आप वो यूज़ नहीं करेंगे। तो वापस वो अलग एक्सपेंस है, अभी वापस 10-15 लाख का, 20 लाख का कुछ ना कुछ तो रहेंगे अभी 2 साल अगर आप जर्मनी में रहेंगे। तो मैंने सोचा वापस जर्मनी में वापस वो लोन निकालो, ये निकालो। क्योंकि मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, ये भी इसमें पॉइंट बताऊंगा अभी। फिर मैंने इटली का पढ़ा, मैंने इटली का 5 महीने टोटली रिसर्च किया खुद से, क्योंकि मेरा भी मास्टर्स हुआ था, सॉरी ग्रेजुएशन। तो
तो मैंने 5 महीने पूरा रिसर्च किया, फिर मैंने देखा इटली इज अ परफेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? कान खोल के सुन लो, ठीक है, कुछ आपको हर चीज़ कुछ अच्छा नहीं मिलता है, किधर भी जाओ, कुछ भी लो, कुछ भी खाओ, कुछ ना कुछ तो कमियाँ रहती है, बट यू हैव टू ओवरकम इट, ठीक है। तो इटली क्यों? आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, कॉलेज फीस नहीं है, खर्चा कितना आ रहा है आपको जाने के लिए? 5 लाख पकड़ो, चलो 5 लाख। एजेंसी फीस कितना लेता है अभी जो देख रहा हूँ मैं? 1 लाख से मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख के ऊपर कोई लेता नहीं है, ठीक है। आने के बाद आपको यहाँ पे खर्चे कैसे 1-1.5 महीने का आपको एक्सपेंस निकालना है, फिर आपको फिर स्कॉलरशिप मिलने के बाद आप पढ़ाई चालू करते हो, आप नया लैंग्वेज सीखते हो, नया जॉब देखते हो, 10 लोगों से नया मिलती है, क्योंकि इटली इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री विद डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल एंड डिफरेंट फूड, ओके। तो मास्टर्स के बाद आपको इटली में 1.5 साल का जॉब सर्चिंग वीज़ा मिलता है, 1.5 साल का, उसके पहले आपको जॉब लगता है। कैसे? क्योंकि हर इटली के कॉलेज में आपको 6 मंथ्स का इंटर्नशिप रहता है, 6 मंथ्स से जो आप इंटर्नशिप, एंड इट इज़ कंपल्सरी, जो आप इंटर्नशिप देखोगे, जिधर आपको जॉब चाहिए आप वहाँ पे इंटर्नशिप देखो और वो इंटर्नशिप को आप जॉब में कन्वर्ट करो। चलो अगर इंटर्नशिप में लगा भी नहीं तो आपको 1.5 साल का जॉब सर्चिंग वीज़ा मिलता है इटली का, दैट इज़ वैलिड इन यूरोप। तो 1.5 साल में आप 20th कंट्रीज में आपके लिए खुद के लिए अब जॉब ढूंढ पाओगे नहीं, ढूंढ पाओगे नहीं, मुझे बता दो सर, इजीली मिल जाएंगे। एम्स्टरडम जाओ, फिर जर्मनी जाओ, किधर लंदन जाना है लंदन जाओ, लंदन से यहाँ पे बैठे बैठे आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आप इटली का स्टूडेंट वीज़ा है। आप US में जाओ, स्पॉन्सर वीज़ा जो स्पेसिफिक फिल्टर्स रहते हैं वहाँ पे फिल्टर में सर्च करके आप इटली में बैठ के आप इजीली कौन से भी कंट्री में जा सकते हो, यूरोप में, यूरोपियन एरिया में तो आप इजीली कर सकते हो, मतलब किधर भी। आपको इंटरव्यू के लिए बोला आप डायरेक्टली जर्मनी जा सकते हो, नीदरलैंड जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो। तो 1.5 साल में आपको इजीली जॉब मिलता ही है, मिलता ही है। तो मैंने इसलिए सोचा इटली इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस, क्योंकि आप इतना बाहर जाओगे, इतना लोन निकालेंगे, वो इट इज़ नॉट गुड। अब डायरेक्टली इटली में आओगे आप, खर्चा आपका कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली जॉब करोगे, डायरेक्टली आप अर्निंग, डायरेक्टली आप मतलब सेविंग स्टार्ट कर सकते हो, सीधा बात में बोल रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग आपको सैलरी विल गेट फॉर 1500 यूरोज टू 1800 यूरोज यू विल गेट, ठीक है। वापस फिर आपको 2-3 साल के बाद आपकी सैलरी 2500 2800 2500 यूरोज 3000 यूरोज आपको सैलरी बढ़ती जाएंगी वैसे आपकी, और एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएंगे आपका। फिर 5 साल के बाद आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। और अगर आपको और पढ़ना है तो और आप ड्यूअल डिग्री भी आप इटली में कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। तो ऐसा है, अगर पढ़ना है तो बाहर आना है, सिर्फ थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में, अगर जब ग्रेजुएशन में, अगर आप वीडियो जल्दी देख रहे हो मेरा, तो 1 साल पहले थोड़ा फंड साइड में पैसा निकाल दो, 5-6 लाख रुपए एजेंसी फीस के लिए, फ्लाइट टिकट्स के लिए, तो वैसा फिर आपका आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप पुणे में हो, अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट चाहिए, कोई इंडिया से है, मेरे दोस्त पाकिस्तान से भी है, नेपाल से भी है, एक्चुअल में इटली में बात कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त है बांग्लादेश से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, तो सब हम एक साथ रहते हैं, तो हमको बता व्हाट इज़ द रियलिटी। तो आपको अगर आप कोई इंडिया से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पुणे से, कोई अच्छा कंसल्टेंट चाहिए, तो मेरा मेरा कंसल्टेंट है, मैं इसने कोई प्रमोट कर रहा कि मेरा कुछ कमीशन है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आपका 2-4 बेनिफिट हो, आपको कुछ अच्छा मिले, नॉलेज मिले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लाइफ सेटल हो इसलिए। और दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब में मुझे और मोटिवेट होता है, प्यार मिलता है और कंटेंट डिलीवर करने के लिए। और कमेंट डाउन करके बताइए और कैसे वीडियो चाहिए और आपके कैसे डाउट्स है। और मैं अभी आपके अभी कमेंट्स आपके बताने वाला हूँ कि जो आपके अभी कमेंट्स आ रही थी कि स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या है वापस, अभी पहले कमेंट जो आया था भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे, सिंपल और स्ट्रेट बताते हो, लव फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू भाई। जो अभी एक बताया 17 अगस्त को उसने ये अप्लाई किया है, विकास राजपूत ने, तो अभी आपका वीज़ा बाय दिस मंथ एंड, नहीं तो अभी आना चाहिए। आपका फ़ोन चालू रखो, आपको कभी भी फ़ोन आ सकता है आपका पासपोर्ट का, तो आपका वीज़ा आ जाएगा आपका। तो एक ने बोला है मैंने 5200 यूरोज बोलता लास्ट वीडियो में स्कॉलरशिप, तो यस स्कॉलरशिप भी बढ़ चुकी है, तो 7200 यूरोज हो चुकी है अभी स्कॉलरशिप अभी इस साल की, तो वो भी एक अच्छी बात हो रही है। और एक वीडियो आएगी ब्रो, प्लीज़ मेक ए वीडियो हाउ टू और फाइंड अ जॉब इन इटली,
मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आपको और कुछ डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा। एक अभिजीत करके दोस्त है मेरा, वो भी हर टाइम बहुत सपोर्ट करता है। वापस निखिल भाई, अंडर इंटरव्यू के लिए आई अप्लाई फॉर सीमेंट, मैंने रिजल्ट कब आएगा? आपने आपने डेट डाली पर मुझे पता नहीं, आपने डेट मंथ कौन सा डाला था, तो उसके ऊपर मैं बता नहीं सकता हूँ कि आपका कब अभी वीज़ा आ सकता है। इसलिए हाउ टू फाइंड अ रूम इन रोम, आप रोम में फेसबुक मार्केट थ्रू, एजेंसी थ्रू आपको फ्लैट मिल जाता है, इतना कुछ इशू नहीं। आप इटली में कहाँ पे भी जाओ, फेसबुक पे जाके, जो फेसबुक मार्केट प्लेस रहता है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। तो मैं इटली में कौन से सिटी में, मैं कैसीनो में रहता हूँ, अभी रोम में रहता हूँ, कैसीनो में से रहता हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, और 1 साल हुआ। अगर कोई इटली में है तो मुझे पक्का मैसेज कीजिए इंस्टाग्राम पे, और ऐसे प्यार देते रहिए। और चलिए मैं ब्लॉग बंद करता हूँ, घर पे बैठा था ऐसे सोच तो एक अच्छे से वीडियो बना दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय गाइज, थैंक यू।